कांकेर जिले की अंतागढ़ विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक अनूप नाग ने टिकट काटे जाने को लेकर नाराज होकर कांग्रेस से बगावत शुरू कर दी है। अनूप नाग निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करते हुए नामांकन फॉर्म लेने पहुंचे। बता दें कि कांग्रेस ने 15 अक्टूबर को जारी सूची में अंतागढ़ से अनूप नाग का टिकट काटकर रूप सिंह पोटाई को अंतागढ़ विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। अनूप नाग ने टिकट कटने के बाद से चुप्पी साध रखी थी और अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लेकर कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। टिकट काटे जाने के बाद से नाग के समर्थकों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। जिस ढंग से जनता ने मुझे 18 के चुनाव में आशीर्वाद दिया और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जितना उनका फर्ज बनता है, कर्तव्य होता है, मैंने क्षेत्र में बड़ा ईमानदारी से विकास के कार्य को खरा तक लाया। और हम ये सोच के चल रहे थे कि अगर कार्यों से मूल्यांकन होगा तो हम निश्चिंत थे टिकट पाने के लिए। एकाएक ऐसा देखने को मिला कि हम टिकट से वंचित हो गए हैं। लगातार जिस दिन से टिकट डिक्लेयर हुआ है, मेरे पूरे परलकोट क्षेत्र के, अंतागढ़ विधानसभा के क्षेत्र, सुदूर गांव के माता बहने सब आहत हैं और लगातार फोन कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। और जब मैं टिकट से वंचित हो गया कहने के बाद, वही जनता, वही वोटर्स, वही मेरे लोग मुझे लगातार कहते रहे कि आप स्वतंत्र उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। उसी लोगों का पालन कर रहा हूँ। हमारराज पार्टी के साथ आपका बात हुई? किसी भी कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही मैं किसी के पक्ष में जाने वाला हूँ। मैं जनता, मेरे जो विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो वो चाह रहे हैं, मैं स्वतंत्र रूप से निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव फाइट कर